नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए अब आपको बताते हैं अभी तक की ताजा खबरें। खबर एमपी के जिला दमोह से है, जहां पर मुरैना में करीब 22 लोगों की जान जाने के बाद आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के साथ साथ इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि मामला अवैध शराब से जुड़ा हुआ है। इंडियन टीवी न्यूज चैनल के रिपोर्टर रत्नेश तिवारी और लखन ठाकुर की रिपोर्ट है कि इस बाबत पुलिस गहराई से छानबीन कर रही है। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के दमोह कलेक्टर तरुण राठी के निर्देशों के अनुसार जिला आबकारी अधिकारी शरद चंद निगम की टीम ने जबलपुर नाका उद्योग विभाग के पीछे कुछ बंदिया मोहल्ले में अवैध शराब निर्माण और विक्रय संधारण के विरुद्ध आबकारी विभाग दमोह द्वारा कार्रवाई कर 90 लीटर अवैध शराब के साथ साथ भट्टी को भी जब्त किया गया है। लगभग 1530 किलोग्राम महुआ लाहन और अवैध शराब निर्माण करने की सामग्री को भी जब्त कर धारा 34(1)(4) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण कायम किए गए हैं। कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी पवन कुमार झारिया, वृत्त आबकारी उपनिरीक्षक अनुरोध सेन, मधुसूदन दीवान, सुरेश गौड़, आरक्षक जगदम्बा पांडे, हरी सिंह छोटेलाल, कुलदीप कटारे और हीरालाल शामिल रहे। आबकारी विभाग के अधिकारी पवन कुमार झारिया ने बताया कि शहर के जलपर नाका स्थित कुछ बंदिया मोहल्ले में जगह जगह डिब्बों में भरकर अवैध कच्ची शराब बेची जा रही थी। करीब 78 डिब्बों और हाथ भट्टी वाली शराब को इसमें पकड़ा गया है। फिलहाल यह कार्रवाई आगे भी ऐसे ही निरंतर जारी रहेगी। बताइए क्या कार्रवाई की है। वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में जो है अवैध शराब के खिलाफ जो है विशेष अभियान चलाया जा रहा है, माननीय आबकारी आयुक्त महोदय के आदेश पर। और जो अवैध जो जहरीली शराब का जो अभी प्रकरण सामने आया है उसके संबंध में जो है कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। उसी तारतम्य में आज हम जबलपुर नाका में कुछ बंदिया मोहल्ला में जो है दबिश दी, सामूहिक दबिश आबकारी विभाग की हुई है। इसमें आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो है अवैध मदरा, इसमें महुआ से जो लाहन है लगभग 78 डिब्बे हैं, जिसमें 1550 किलोग्राम महुआ लाहन एवं लगभग 90 लीटर जो है अवैध कच्ची शराब जो है जब्त की गई है। विभिन्न स्थानों में यहां पे गड़ाकर रखी गई थी, जिनको अभी जो है मौके पे जब्त किया है, फिर नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और ये माननीय श्री कलेक्टर महोदय दमोह द्वारा जो है उनके आदेश के पालन में जो है ये कार्रवाई की जा रही है, और लगातार जो है कार्रवाई हमारी आबकारी विभाग दमोह द्वारा की जाएगी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर के असर के लिए जुड़े रहिए इंडियन टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।